So, hey दोस्तों फाइनली सुपरस्टार ऋतिक रोशन दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर की मोस्ट अवेटेड एरियल एक्शन फिल्म फाइटर मूवी आखिरकार थिएटर के अंदर रिलीज हो चुकी है और अगर मैं फाइटर मूवी को एक लाइन में रिव्यू करूं तो इतना ही कहूंगा कि यह एक देखने लायक फिल्म है जिसे थिएटर के अंदर तो आपको एक बार जरूर देखना चाहिए हाँ इसके अंदर भी वही पाकिस्तान वाला एंगल डाला गया है पर वह भी आपको एक प्रोपेगेंडा फील नहीं देता बल्कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान को भी फिल्म के अंदर यूज किया गया है वैसे यह एक एरियल एक्शन फिल्म है जिसके अंदर हमें फाइटर प्लेन का एक्शन बहुत ही जबरदस्त और लाजवाब तरीके से दिखाया गया है और ऋतिक रोशन की एंट्री उसे तो मैं दस में से दस स्टार देना चाहूंगा क्योंकि सिद्धार्थ आनंद ने ऋतिक रोशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया है तो आइए बात करते हैं आखिर फाइटर मूवी कैसी है तो सबसे पहले हम रीतिक रोशन की फाइटर मूवी की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर फाइटर मूवी के अंदर हमें कहानी क्या दिखाई गई है तो इस बार कहानी देशभक्ति के ऊपर आधारित है जहां पाकिस्तान ने भारत के ऊपर पुलवामा अटैक किया है जिसमें इंडियन आर्मी के बहुत सारे सैनिक शहीद हो जाते हैं जिसके बाद भारतीय एयरफोर्स इंडिया के बेस्ट ऑफिसर को बुलाती है और उनकी एक टीम बनती है जिस टीम के अंदर हमें फाइटर मूवी की सारी स्टार कास्ट देखने को मिलती है और उन्हीं के साथ में इस टीम के लीडर अनिल कपूर होने वाले हैं जो इस पूरी टीम को कंट्रोल में रखते हैं और फिर यही टीम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने में काम आती है और पाकिस्तान जितने भी हमले हमारे ऊपर कर रहा है उन सभी हमलों का पता लगाकर और उन सभी को रोकने के लिए ही यह टीम बनाई जाती है अब यह कैसे पाकिस्तान को रोकते हैं और पाकिस्तान हमारे ऊपर क्यों हमला करने की साजिश कर रहा है यही आपको फाइटर मूवी के अंदर देखना है सिद्धार्थ आनंद ने फाइटर मूवी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया है जैसे उन्होंने पठान मूवी के अंदर हमें प्रोपेगेंडा दिखाया था कि इंडियन आर्मी के सोल्जर को ही एक विलन बना दिया हो वह इस फिल्म के साथ ऐसा नहीं करते हैं और इस फिल्म के अंदर आपको पाकिस्तान ही विलन दिखने वाला है और जैसे वह कारनामे करता है वही कारनामे सिद्धार्थ आनंद ने फाइटर मूवी के अंदर दिखाई है उसी के साथ में इसका एरियल एक्शन तो बहुत ही बेहतरीन है और साथ में इसकी सिनेमाटोग्राफी भी बहुत ही ज्यादा कमाल की हमें फाइटर मूवी के अंदर दिखाई गई है इसका एक नेगेटिव पॉइंट है और वह है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक मैं उस सेकंड हाफ वाले बैकग्राउंड म्यूजिक की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि पूरी फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक की बात कर रहा हूँ बस एक ही बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा रखा गया है बाकी पूरी फिल्म के अंदर आपको अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक देखने को नहीं मिलने वाला है बाकी सिद्धार्थ आनंद ने ऋतिक रोशन के साथ बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई है जो देखने में बहुत ही शानदार लगता है वही फाइटर मूवी में अगर एक्टिंग लेवल की बात करें तो फाइटर मूवी की कास्ट के अंदर हमें ऋतिक रोशन दीपिका पादुकोण अनिल कपूर अक्षय ओबेरॉय और करण सिंह ग्रोवर देखने को मिल रहे हैं और इस फिल्म की कास्टिंग बहुत ही बेहतरीन की गई है और सभी ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है और सभी को फाइटर मूवी के अंदर इंट्रोड्यूस भी किया गया है और ऐसा नहीं है कि केवल ऋतिक रोशन के ऊपर ही फोकस किया गया है बल्कि सभी एक्टर के ऊपर फोकस किया गया है पर ऋतिक रोशन की एक्टिंग माइंड ब्लोइंग है और उनकी डायलॉग डिलीवरी हो या फिर उनके एक्सप्रेशन हो वो सब कुछ बहुत ही बेहतरीन है और दूसरी बात अनिल कपूर उन्हें इस टीम का लीडर बनाया गया है और वह बहुत ही बेहतरीन लीडरशिप अपनी फाइटर मूवी के अंदर दिखाते हैं और आपको ऐसा लगेगा कि अनिल कपूर के अलावा ये रोल कोई कर ही नहीं सकता था बहुत ही बेहतरीन तरीके से अनिल कपूर को भी फाइटर मूवी के अंदर प्रेजेंट किया गया है और दीपिका पादुकोण को केवल ग्लैमरस के लिए यूज नहीं किया गया है बल्कि उनका भी अच्छा खासा स्किन प्रेजेंट हमें फाइटर मूवी के अंदर देखने को मिलता है ओवरऑल सभी कलाकारों की एक्टिंग बहुत ही लाजवाब है वही अगर फाइटर मूवी के एक्शन की बात करें तो फाइटर मूवी एक एरियल एक्शन फिल्म है और इस फिल्म का बजट करीबन दो करोड़ रुपए बताई है और उस हिसाब से फाइटर मूवी एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म निकल कर आई है अगर आप इस फिल्म का कंपेरिजन किसी भी इंडियन फिल्म से करोगे जिसके अंदर हमें एरियल एक्शन दिखाया गया हो तो उन सभी फिल्मों से फाइटर मूवी कहीं ज्यादा आगे है पर अगर आप फाइटर मूवी का कंपेरिजन हॉलीवुड से जाकर करोगी जिनका बजट पंद्रह सौ करोड़ रुपए तक होता है तो फिर मैं आपको कुछ कह ही नहीं सकता क्योंकि उतना बेहतरीन बी और सीजीआई फाइटर मूवी के अंदर नहीं है पर तब भी सिद्धार्थ आनंद ने जितना रियल हो सके उतना रियलिस्टिक एक्शन फाइटर मूवी में रखने की कोशिश की है और इसका एरियल एक्शन भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया जितने भी फाइटर प्लेन के साथ स्टंट किए गए हैं वो बहुत ही ज्यादा कमाल के थे कुल मिलाकर फाइटर मूवी बहुत ही बेहतरीन है वैसे अगर आपने फाइटर मूवी को देख लिया है तो हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी धन्यवाद